के बाद आपका स्वागत है। पन्ना से खबर आ रही है जहां अजयगढ़ में एक मकान में आग लग गई। आग में जलने से वृद्ध की मौत हुई है, आग पर काबू पाया गया। अजयगढ़ के वार्ड 13 की घटना बताई जा रही है। पन्ना के अजयगढ़ से खबर, जहां एक मकान में आग लगी, वृद्ध की मौत हुई है, आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी देंगे सुशांत चौरसिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुशांत, एक मकान में आग लगने की खबर है जिसमें एक वृद्ध की मौत भी हुई है, क्या कुछ और नुकसान हुआ और क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? पारुल, संदिग्ध परिस्थितियों में जिस प्रकार की इस वृद्ध की मौत हुई है, ये काम खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये वृद्ध आराम कर रहा था, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, अपने घर में आराम कर रहा था, अचानक इसके कमरे में आग लग जाती है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। वृद्ध की तब तक मौत हो जाती है। मामला सामने ये निकल कर आ रहा है कि जब परिजन उसके घर में मौजूद थे तो तत्काल प्रभाव से सूचना क्यों नहीं की दी गई, और तत्काल और जो संसाधन होते हैं आग बुझाने के, वो परिजनों ने क्यों नहीं प्रयोग किए। अब हालांकि इस पूरे मामले पर अजयगढ़ जो थाना प्रभारी है, पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि इसमें सामने क्या निकल कर आता है। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो संदिग्ध परिस्थितियों में ही ये मौत बताई जा रही है, क्योंकि वृद्ध के साथ और लोग भी घर में मौजूद थे, जिन्होंने आग लगने की जानकारी बहुत देर बाद फायर ब्रिगेड को दी और खुद से कोई प्रयोग नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया आग बुझाने का। तो कई सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं कि आखिर आग को बुझाया क्यों नहीं गया।